तो ये मेरा मेन रूट स्टॉक है, फिर इसकी चार ब्रांच पे मैंने चार सीडलिंग की ग्राफ्टिंग की है, तो इसका कॉडेक भी फूलेगा और ये कॉडेक भी फूलेंगे, तो इसकी ब्यूटी अलग ही दिखाई देगी। डबल ब्रांच पे डबल ग्राफ्टिंग करती हूँ, ये मैंने सिंगल ब्रांच पे डबल ग्राफ्टिंग की है। और फ्लावरिंग भी इतनी फुल ब्लूम पर है कि पूरा बुके बना हुआ है। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें। भाई जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर चल रही है जयपुर सीरीज़, मैं आया हूँ जयपुर में कवर करने के लिए काफ़ी सारे टेरेस गार्डन। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज एक और टेरेस गार्डन आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि है सुषमा बंसल जी का। तो चलिए मैम से बातें करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार संदीप जी, थैंक यू सो मच आज आपने मुझे अपने घर पर इन्वाइट किया और मुझे आपका गार्डन दिखाने का मौका मिला। बहुत ही सुंदर आपका गार्डन है और साथ ही में गार्डन की कुछ पिक्स तो मैंने पहले से देखी थी, लेकिन इनका फ्रंट यार्ड मैंने नहीं देखा था, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो उसे भी मैं साथ में वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मैम सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताइए कि कैसी रही आपकी गार्डनिंग जर्नी, कब आपका रुझान गार्डनिंग की ओर आया और कैसे कैसे आज आपने इतना सुंदर गार्डन तैयार किया है। संदीप जी, गार्डनिंग का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन पहले इतनी नर्सरीज नहीं होती थी, इतनी प्लांट्स नहीं मिलते थे, इतनी वैरायटी वाले प्लांट्स नहीं थे और कुछ हमारे यहाँ बंदरों का आतंक था, तो इस वजह से मैं गार्डनिंग नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर शादी के बाद में थोड़े बच्चे बड़े हो गए, जगह हो गई, अपना घर हुआ, तब मैंने गार्डनिंग करना शुरू किया और उसके बाद से फिर रेगुलर डे बाई डे एक्सपीरियंस बढ़ता गया और प्लांट्स का कलेक्शन भी बढ़ता गया और यहीं से मेरी प्लांट्स की गार्डनिंग की जर्नी शुरू हो गई। तो ये जो मेरा सारा कलेक्शन है वो 2015 के बाद से ही मैं रेगुलर गार्डनिंग कर रही हूँ और वो सारा कलेक्शन मेरा ये 2015 के बाद का ही है। तो गार्डनिंग के लिए कुछ अवार्ड्स भी मिले थे आपको, तो प्लीज़ उसके बारे में बता दीजिए हमारी व्यूअर्स को। हमारे यहाँ जयपुर में किचन गार्डन एसोसिएशन है, वहाँ की मैं मेम्बर हूँ, तो वहाँ भी हमारे कंपटीशन आए दिन होते रहते हैं, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे प्राइज़ लिए हैं। अपना गार्डन कंपटीशन में मुझे एक बार फर्स्ट प्राइज़ मिला था और ऑनलाइन गार्डन टेरिस गार्डन कंपटीशन हुआ था अपना फ्लोरिकल्चर सोसाइटी की तरफ से, जो एबी पे काम है वो ग्रुप, तो उसमें भी मेरा टेरिस गार्डन दो बार सेकंड आया है। ओके। और एक बार उन्होंने नीचे अपनी बालकनी गार्डन का भी कंपटीशन रखा था, उसमें मेरा फर्स्ट आया था। नाइस। तो इस तरीके से तीन चार अवार्ड मेरे एबी पे ऑनलाइन भी मिल चुके हैं। तो ये लॉकडाउन के दौरान आपको कंपटीशन हुआ था। नाइस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अवार्ड्स भी मैम को मिल चुके हैं, तो कितना सुंदर गार्डन होगा। तो अभी हम एक एक करके सभी प्लांट्स पे हम बातें करने वाले हैं, पूरा का पूरा मैं आपको गार्डन दिखाने वाला हूँ। मैम के पास बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है अडेनियम्स का, हम उसे भी आपको दिखाएंगे। इंडोर प्लांट्स में, आउटडोर प्लांट्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में भी मैम ने काफ़ी कुछ किया हुआ है, काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जेड प्लांट की, टोपियारिस की हम बात करें तो उसकी भी शानदार कलेक्शन है। तो ये सारी की सारी चीज़ मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा और मैं इसे स्प्लिट करने वाला हूँ पार्ट्स में, क्योंकि कलेक्शन इतना बड़ा है कि एक ही वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल है। तो आज की जो आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे वो होने वाली अडेनियम्स पे। तो मैम को जैसे काफ़ी टाइम हो चुका है अडेनियम्स पे, तो मैम के पास वैरायटीज़ भी काफ़ी सारी हैं, कलर्स भी काफ़ी सारे हैं और एक्सपीरियंस तो काफ़ी सारा है ही, तो सब चीज़ें आपको वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अडेनियम्स पे, तो आप उसे इन्जॉय करिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही अलग अलग टेरेस गार्डन पे विजिट करता हूँ, गार्डनर से बातें करता हूँ, उनकी गार्डनिंग जर्नी और उनके प्लांट कलेक्शन को अपने चैनल पे लेकर आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। मैम के साथ मैं काफ़ी सारी इंस्टाग्राम रील्स भी शूट करने वाला हूँ, जो कि मेरे चैनल पे इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है, तो आप जाके उसे भी फॉलो करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फेसबुक पे भी लाइव जाने वाला हूँ मैं, तो आप वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जब भी मैं किसी टेरेस गार्डन में विजिट करता हूँ तो गार्डनर के साथ एक बार लाइव भी ज़रूर जाता हूँ, तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की। संदीप जी आपका स्वागत है मेरी छोटी सी बगिया में। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही सुंदर गार्डन है आपका। थैंक यू। जहाँ पे मैं आपको अपना अडेनियम का कलेक्शन बताऊंगी जी, मेरे पास में अडेनियम का दो वैरायटी हैं, जिसमें ओबिसम और अरेबिकम, और तीन चार वैरायटी मैंने अभी मंगवाई हुई है, वो मैंने अभी डिस्प्ले पे नहीं है। ओके। हाँ, और बाकी कलर्स की बात करें तो कम से कम 40 से 50 कलर मेरे पास में अडेनियम के हैं,
और मुझे अर्डेनियम के कलेक्शन का बहुत शौक है कि नया कलर मुझे मिलता है तो मैं बस तुरंत परचेज़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं मल्टीपल करती रहती हूँ ग्राफ्टिंग करके। तो ये सारे जो मेरी खुद की ग्राफ्टिंग किए हुए हैं जो भी कलेक्शन है मैम, अगर एक मैं काउंट जानना चाहूँ क्योंकि मेरे को तो काफ़ी सारे अर्डेनियम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो एक काउंट बताएंगे लगभग कितने अर्डेनियम आपके गार्डन में रखे हैं? मेरे पास में अर्डेनियम कम से कम 2000 के आसपास मेरे पास में अर्डेनियम्स होंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं 2000 से ज़्यादा अर्डेनियम्स मैम के पास हैं और जैसे कि मैम ने बताया 40+ कलर्स हैं। तो मैम मैं चाहूँगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी बिगनर्स भी देख रहे होते हैं जो अर्डेनियम वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उसी टाइप से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दें अर्डेनियम्स के ऊपर। जी हाँ संदीप जी, अर्डेनियम को जैसे हम डेजर्ट रोज़ कहते हैं तो नाम में ही जैसे रोज़ हम आइडिया लगा सकते हैं कि रोज़ जैसे खूबसूरत होता है, वैसे ही अर्डेनियम भी रोज़ की तरह ही बहुत खूबसूरत होता है। सैक्युलेंट फैमिली से है, कम पानी का है और जो इसकी ब्यूटी है वो ऑटोमेटिक ही बोनसाई ब्यूटी है। हमें इसको डेवलप करने की बोनसाई ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक ही बोनसाई का लुक देता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि अपन सैक्युलेंट किसे बोलते हैं, सैक्युलेंट उसे बोलते हैं जो अपनी या तो लीफ में या स्टेम में या रूट्स में पानी को स्टोर करके रखे। वो जो प्लांट्स होते हैं वो सारे सैक्युलेंट फैमिली के होते हैं। तो अर्डेनियम भी ऐसा है जो अपना जो पानी होता है वो अपने कॉडेक में स्टोर करके रखता है। तो अगर अपन 10 से 15 दिन भी इसमें अगर पानी नहीं देंगे तो ये आराम से बिना पानी के भी रह सकता है, तो इसलिए इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। जैसे डेजर्ट रोज़, रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट को कहते हैं, तो ऊँट जैसे अपने बॉडी में पानी को स्टोर करके रखता है और बेधड़क रेगिस्तान में चलता है, ऐसे ही ये है कि इसमें अगर 10 से 15 दिन हम पानी नहीं देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, बेधड़क हम बाहर जा सकते हैं घर पर छोड़ करके, तो ये अपनी खूबसूरती है मैं कोई कमी नहीं रखेगा। नाइस नाइस। तो एक तरफ से हम मैम आपके मैं कलेक्शन भी दिखाना चाहूँगा व्यूवर्स को, आप कहाँ से दिखाना चाहेंगे? हम यहाँ से दिखाते हैं जी। तो ये देखिए कि अर्डेनियम का ये मरून कलर ब्लैकिश है, बिल्कुल इतना प्यारा कलर है, बहुत सुंदर। और ये मैंने खुद ने ग्राफ्टिंग की है इस पे। अच्छा, ग्राफ्ट भी करते हैं जी? हाँ। और ये मेरा सीड ग्रोन प्लांट है, ये मैंने मंगवाया नहीं है, सीड्स से मैंने उगाया है और मैंने फिर खुद ने ग्राफ्टिंग की है। तो और ये देखिए कितना प्यारा कलर है, बहुत ही सुंदर है मैम। तो ये मैंने ट्रेस बनाई हुई है, इसको हम कोई भी लुक भी दे सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन। इसकी कॉर्डे कितना खूबसूरत होता है जी, कि इसको हम कोई भी शेप में किसी भी तरीके से हम इसको ब्यूटी इसकी दिखा सकते हैं। नाइस। तो जैसे मैंने इसको अलग शेप में रखा है, इसको अलग शेप में रखा है और ये देखिए ये बिल्कुल रेड कलर है, बहुत प्यारा कलर है, बहुत इसमें येल्लो कलर आएगा। तो जैसे अब इसको लेटा के लगाया है मैंने, थोड़ा सा इसको डिफरेंट शेप दिए स्टोन के साथ आपने इसको लिया हुआ है। नाइस। और ये देखिए इसका शेड भी बिल्कुल बहुत प्यारा है, इन सबकी ग्राफ्टिंग मैंने खुद ने की है। और ये सारे प्लांट्स मैम ये कैस्केड स्टाइल में जा रहे हैं ना जी? नाइस, बहुत सुंदर है। फ्लावरिंग देख सकते हैं फ्रेंड, काफ़ी अच्छी हो रही है इन सभी पे। तो ये सारे मेरे खुद के सीड ग्रोन प्लांट हैं और ये मैंने खुद ने सबकी ग्राफ्टिंग की है। ये भी देखिए ये भी बहुत प्यारा कलर है, पूरा बुके की तरह इसमें फ्लावर आ रहे हैं। मैम तो इस पे फ्लावरिंग कब से कब तक रहती है? मेन संदीप जी, जब सारे फ्लावर अपना साथ छोड़ जाते हैं तब ये 40 और 45 टेम्परेचर में भी ये अपनी खूबसूरती हमें देता है। तो मेन इसकी खासियत यही है कि ये फरवरी से लेकर के नवंबर तक अच्छी फुलवारी देता है हमें, और इसीलिए मेरा फेवरेट प्लांट है। ये देखिए व्हाइट कलर की भी फ्लावरिंग हो रही है, देख सकते हैं। इसमें मैंने डबल ग्राफ्टिंग की है, जैसे इधर ये व्हाइट कलर का फ्लावर आएगा और इधर ये रेड कलर। वाओ। तो इधर मैंने ये डबल ब्रांच पे डबल कलर की ग्राफ्टिंग की हुई है, जैसे मैं आपको दिखाऊं जी, जैसे इस ब्रांच पे मैंने ये वाइट कलर की ग्राफ्टिंग की है और इस पे रेड कलर की ग्राफ्टिंग की है। नाइस। तो इस तरीके से मैंने मल्टीपल ग्राफ्टिंग भी की हुई है, जैसे इसकी अभी इसका देखें तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ये देखिए ईजी टू मेंटेन है, इसको कोई भी ज़्यादा खाद पानी की जरूरत नहीं होती है, बहुत ईजीली आराम से ग्रो होता है। और एक और क्वेश्चन रहेगा मैम मेरा, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स कहते हैं कि भैया आप जाते हो तो क्वेश्चन नहीं करते, तो मैं इसलिए क्वेश्चंस करने वाला हूँ आपके। मैं देख रहा हूँ कि फ्लावरिंग जो है ना वो गुच्छों में हो रही है जी, तो इसके पीछे क्या राज है, हम कैसे इस टाइप की फ्लावरिंग अपने अर्डेनियम से ले सकते हैं? अर्डेनियम की जो ये गुच्छों में जो फ्लावरिंग हो रही है ये बेसिक प्लांट है, ये सीड ग्रोन नॉन ग्राफ्टेड प्लांट है जिसमें अच्छे से भर के अच्छे से फ्लावरिंग होती है जी। और इसके बाद में जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो ग्राफ्टिंग में थोड़ी सी क्वांटिटी कम होती है लेकिन फ्लावरिंग उसमें भी अच्छी होती है। और खाद पानी की हम बात करें तो इसमें ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जब हम इसको पॉट में लगाते हैं बस मैं उसी टाइम गोबर की खाद यूज़ में लेती हूँ, और उसके बाद में फिर ऑप्शनल है कि DAP NPK हम यूज़ में कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव 15 डेज़।
ओके, तो इसमें आप करते रहते हैं उसके यूज़ डीपी वगैरह को? ओके, और इसमें ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। इसकी एक खास बात है कि इसमें पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर फंगस की समस्या हो जाती है, तो उसमें फिर ये मरने के चांसेस रहते हैं। ओके, और मैम साथ ही में बात करें सॉइल मिक्सचर का, तो वो कैसा होना चाहिए डेलियम्स के लिए? इसका सॉइल मिक्सचर वही बेल ड्रेन होना चाहिए, वन पार्ट सॉइल, वन पार्ट रिवर सैंड और वन पार्ट मैन्योर। मैन्योर में सिर्फ मैं काउडंग ही प्रेफर करती हूँ, बाकी और मैं दूसरी खाद नहीं लेती हूँ जी। और एक पिंच हम फंगीसाइड और नीम खली, बाकी और सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, वो जब पौधा सेट हो जाए उसके बाद में फिर हम डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, बाकी मेन जब सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो हम पांच चीज़ यूज़ करती हूँ। और जब एक मेन बात ये है कि जब हम पॉट में इसको लगाते हैं तो जो पॉट में जो नीचे होल होता है, तो होल के नीचे जो इसकी जो कवरिंग है वो कम से कम एक इंच या डेढ़ इंच के करीब स्टोन्स या कोई भी ठिकरी वगैरह से भरना चाहिए। सिर्फ एक ठिकरी से काम नहीं चलता, क्योंकि फिर उससे ब्लॉक, होल ब्लॉक हो जाता है और फिर पानी उसमें प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाता। तो इसलिए इस पौधे, इस अपन अडीनियम के लिए जो लगाते हैं उसमें कम से कम एक से डेढ़ इंच का अपन को नीचे फिलिंग करना होगा स्टोन्स से। नाइस फ्रेंड्स, वीडियो के बीच में मैं आपको थोड़ा सा पीछे दिखाना चाहूँगा, देखिए कितना सुंदर मैम का गार्डन है। अभी तो खैर हम अडेनियम पे वीडियो कर रहे हैं तो अडेनियम का हम सब कुछ बताने वाले हैं, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी हैंगिंग्स हैं, तो इंडोर और आउटडोर प्लांट का भी बेहतरीन कलेक्शन है। नीचे देखेंगे तो बहुत सारी आपको जेट की टोपियारीज नज़र आ रही हैं, तो जेट के बोनसाई और टोपियारीज पे भी मैम काम करती हैं, तो वो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा टोपियारीज पे। उसके बाद हम आपको इंडोर प्लांट्स की बातें करेंगे, और नीचे भी जैसे कि मैम ने बताया था बालकनी गार्डन भी है नीचे, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे ग्रीन्स प्लांट हैं, उन पे भी हम बात करने वाले हैं। तो अपकमिंग वीडियोस काफ़ी सारी आने वाली है मैम की। जी मैम, अगेन आते हैं, कंटिन्यू करते हैं अडेनियम्स को। अगर हम इसमें अगर इंसेक्ट्स वगैरह की बात करें अडेनियम में, तो कोई इंसेक्ट्स की इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभी इसमें जब मौसम चेंज होता है तो येल्लो कलर के इंसेक्ट ज़रूर आ जाते हैं, तो बस रोगोर का स्प्रे या सोप बटर का स्प्रे हम कर सकते हैं, बाकी और कोई इसमें समस्या नहीं होती है। और पौधा मरता है तो सिर्फ इसमें एक फंगस की समस्या होती है, तो वो अंदर फंगस लग जाती है, उसकी वजह से पौधा ख़त्म होता है, बाकी बिल्कुल इसमें कोई भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इजी मेंटेन है। और हमें कहीं बाहर जाना होता है तो 10 से 15 दिन हम आराम से इनको छोड़ के जा सकते हैं। Nice. आप देखिए ये मेरा कितना प्यारा कलर है, इसकी पेटल्स देखिए कितनी खूबसूरत है, रेड कलर में बहुत प्यारा कलर है ये। और इसमें भी जैसे मैं बात करूँ तो इसमें भी पूरा बंच और बुके बना हुआ है इसका भी जी, जबकि ये भी ग्राफ्टेड प्लांट है मेरा, और ये वाइट कलर है, अभी थोड़े फूल खिल चुके हैं और कुछ जा चुके हैं खिल करके जी। तो ये सारे जो नीचे मेरे लगे हुए हैं ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ये मदर प्लांट है, ये अच्छा। मेरा खरीदा हुआ है। तो यहीं से आप ग्राफ्टिंग करते हैं जी? नाइस, मैं एक मदर प्लांट खरीदती हूँ, उसके बाद में फिर अपनी ग्राफ्टिंग मैं खुद करती हूँ। तो ये सारे जो कलर्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर मुझे जहाँ भी मिलते हैं तो मैं मंगवा लेती हूँ जी। तो ये मेरे सारे मदर प्लांट हैं, मतलब मंगवाए हुए हैं बाहर से सारे कलर्स ये, और फिर इनकी कटिंग्स से मैं ये सारे कलर्स ग्राफ्टिंग किए हुए हैं। और इसी तरह आपके पास अब 40+ कलर्स हो चुके हैं जी। नाइस जी, बहुत बढ़िया। मैम इसी बीच में आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो अडेनियम्स के हम पॉट चूज़ करें वो कैसे होने चाहिए? अडेनियम के लिए बेस्ट तो क्ले पॉट बेस्ट रहते हैं, लेकिन अगर स्पेस की समस्या है तो हम प्लास्टिक पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी प्लांट्स कोई ख़राब नहीं होते हैं। अच्छा, ये भी बेस्ट हैं, बाकी सबसे बेस्ट की बात करें तो वो क्ले पॉट ही रहते हैं। क्ले पॉट रहते हैं जी। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे मैक्सिमम जो दिखाई देंगे आपको वो टेराकोट पॉट ही दिखाई देंगे जी। तो टेराकोटा की बेहतरीन कलेक्शन है मैम के पॉट की, वाह बहुत सुंदर। ये देखिए संदीप जी, मैंने एक में इसमें चार ग्राफ्टिंग की हुई है, पांच ग्राफ्टिंग की हुई है। जैसे इसमें ये इस ब्रांच में, एक ब्रांच में ये वाला कलर किया हुआ है, ये दूसरी ब्रांच है जिसमें ये येलो शेड का कलर है, इसमें मरून कलर की ग्राफ्टिंग है, इसमें वाइट कलर की ग्राफ्टिंग है और इसमें येलो कलर की ग्राफ्टिंग है। तो ये इस तरीके से मैंने पांच ग्राफ्टिंग इसमें की हुई है, एक ही में पांच तरह के फूल खिलने वाले हैं। जैसे इसमें भी मैंने, इसमें तीन ब्रांच है तो तीन कलर की ग्राफ्टिंग की हुई है, जैसे आप देख रहे हैं ना ये ज्वाइंट, यहाँ सेकेंड थर्ड, तो तीन ब्रांच में मैंने तीन कलर की ग्राफ्टिंग भी ली हुई है, किसी में जितनी ब्रांच हैं तो उतनी ग्राफ्टिंग मैंने की हुई है सब में जी। जैसे इसमें बात करें तो इसमें बर्ड भी आ गई है, इसमें भी तीन ब्रांच में तीन कलर की ग्राफ्टिंग है और इसमें एक में बर्ड भी आ रही है येलो कलर की, बहुत सुंदर जी। किसी प्लांट में मैम सीड दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को सीड्स के लिए? जी ये देखिए संदीप जी, यहाँ पे ये सीड पॉट बना है,
ये सीड्स आ रहे हैं इसमें, ये नेचुरल पॉलिनेशन से सीड्स पॉड बने हैं। इनको पकने में टाइम लगता है थोड़ा सा जी। और इनको हार्वेस्ट करने का तरीका ये है कि ये जब थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो इनको धागे से बांध देना चाहिए, क्योंकि इनमें इनके जो सीड्स में पैराशूट होता है, तो जब ये फली फटती है तो फिर वो एयर में उड़ जाते हैं, तो अगर फिर हमें नहीं मिल पाएंगे अगर हम इनको धागे से नहीं बांधेंगे तो जी। तो अभी ये छोटी है, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसको धागे से बांधेंगे तो फिर जब ऑटोमेटिक जब फली फटेगी तब हम फिर हार्वेस्ट कर लेंगे। और बैक साइड में आपके ये सारे सीड आप लगा रखे हैं आपने या कटिंग लगा जी रखी है? ये सीड्स लगाए थे, ये लास्ट ईयर के सीड्स हैं। ओके। तो ये सारी सीडलिंग्स तैयार हुई है मेरी और इन सीडलिंग्स पे मैंने ग्राफ्टिंग की है। बहुत सुंदर। और इधर भी मैंने जैसे अभी फैब में ग्राफ्टिंग की थी तो बर्ड आ गई है इसमें। ये मैंने ये सारी मेरी फैब की ग्राफ्टिंग है सारी। अच्छा फ्रेंड, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि बेस्ट ऑटो बेस की हम बात कर रहे थे ना, कुछ कुछ एग्जांपल आपको यहीं मैं दिखा देता हूँ, बाकी नीचे भी हैं काफ़ी कुछ जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ये देख सकते हैं सारी की सारी बॉटल्स यूज़ करी है मैम ने अपनी जो सीड्स हैं उनको ग्रो करने के लिए, और बैक साइड में भी देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको काफ़ी कुछ इनके गार्डन में देखने के लिए मिलने वाला है जो आगे हम वीडियो में कवर करते रहेंगे। जी मैम, ये देखिए संदीप जी, ये मेरे अरेबिकम वेराइटी है। ये पूरी अरेबिकम की वेराइटी है। अरेबिकम की वेराइटी कहें तो हम इसको एलिफेंट फुट की तरह कह सकते हैं कि इसकी जो कॉडेक होता है वो एलिफेंट फुट की तरह होता है। तो इसकी जो ब्यूटी होती है वो इसकी कॉडेक की होती है जी। और इसकी जो लीफ होती है वो शाइनी होती है, थिक होती है, और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं, इसमें ब्रांचेज बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके। तो ये इसकी ब्यूटी है कि ऑटोमेटिक बॉन्साई लुक देता है। और इसमें भी मेरी फ्लावरिंग शुरू हो गई है बहुत, और अब मुझे इसकी अरेबिकम की वैरायटी इकट्ठी करनी है, इसलिए मैंने अब इसमें खुद ने हैंड पॉलिनेशन किया था। अच्छा। तो हाँ जी, नाइस नाइस। तो मैंने 10 से 15 फूलों में हैंड पॉलिनेशन किया था, तो मेरे 3 में सक्सेस हुई है। जैसे एक मेरा सीड पॉड यहाँ बना है, वाओ, एक मेरा यहाँ स्टार्ट हुआ है बनना, और एक यहाँ पे बना है। तो 10-15 फूलों में हैंड पॉलिनेशन किया है, तो 3 में थैंक गॉड की सक्सेस हो गई। नाइस, बहुत सुंदर जी। बाकी ये मेरी सारी ओबेसम वैरायटी है नीचे। ओके। और ये सारे नॉन ग्राफ्टेड प्लांट हैं, ये ग्राफ्टेड प्लांट है, इसमें देखिए आप ये। ओके, ये वाला ग्राफ्टेड है जी। बहुत, ये मल्टीपल पेटल है, ये कलर्स कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक ये देखिए बिल्कुल न्यू कलर, बिल्कुल पर्पल कलर। अरे वाह, ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये वाला कलर जी, बहुत सुंदर लग रहा है। एक इसका शेड है, ये भी आधे कलर्स तो संदीप जी मेरे खिल करके खत्म हो गए हैं, अभी वापस कलियां आएंगी तब बनेंगे। अच्छा, नाइस। ये देखिए, ये देखिए, वाह। तो अडेनियम के फ्लावरिंग की भरमार है यहाँ पे, 40+ कलर्स हैं। खैर, कुछ कुछ तो अब खिल के जा चुके हैं तो सारे कलर्स तो नहीं दिखा पाएंगे, डिफरेंट है, लेकिन मैक्सिमम आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर। ये देखिए कितना प्यारा शेड है ये वाला भी, वाह। सब में कुछ कुछ डिफरेंस है, ये जैसे पिंक कलर है ये वाला, बिल्कुल बेबी पिंक कलर है, बहुत सुंदर। इसी ये आधा खिल रहा है अभी, ये भी बहुत प्यारा कलर है। तो कलर्स तो मेरे पास में बहुत सारे हैं, और एक मैंने नया ट्रायल किया है संदीप जी, वो मैं आपको बताती हूँ जी, कि ये मैंने सीडलिंग रूट स्टॉक पे सीडलिंग्स की ग्राफ्टिंग की है। अच्छा जी। Nice. तो ये मेरा मेन रूट स्टॉक है, फिर इसकी 4 ब्रांच पे मैंने 4 सीडलिंग की ग्राफ्टिंग की है, तो इसका कॉडेक भी फूलेगा और ये कॉडेक भी फूलेंगे, तो इसकी ब्यूटी अलग ही दिखाई देगी। वाओ, तो ये मेरा, हाँ, तो ये मेरा नया ट्रायल है, तो सक्सेस भी हो गया मैम। हाँ जी, मैंने 5-6 पे की थी तो सक्सेस हो गया है, और पे मैंने सिंगल की थी जिससे मैं बताऊँ जी। ये देखिए, जैसे मैंने ये स्टेम से ग्रो किया है ये, और स्टेम के ऊपर फिर मैंने ये सीडलिंग की ग्राफ्टिंग की, और इसका आप कॉडेक देखिए, अभी ये लास्ट ईयर ही किया था तो इतना ही कॉडेक इसका फूला है, और जब अच्छे से फूलेगा तो फिर आप इसकी ब्यूटी अंदाजा लगा सकते हैं। जरूर जरूर, इसकी पूरी ब्यूटी दिखाने फ्रेंड मैं दोबारा जरूर आऊंगा यहाँ पे। और इस पे भी फिर 2 ब्रांच पे मैंने 2 अलग अलग ग्राफ्टिंग की, इधर व्हाइट की है और इधर रेड की है, तो अभी सक्सेस होनी बाकी है। नाइस नाइस जी। तो ये भी थोड़ा सा अलग लुक लिए हुए है कि थोड़ा सा ये झुक करके अपनी अलग ब्यूटी देगा। एक इस बार मैंने नया ट्रायल ये किया है कि ये मेन रूट स्ट्रोक है, तो मैंने इसको ज़्यादा काटा यहाँ से, और इस पर मैंने एक ही स्टेम पर डबल ग्राफ्टिंग की है,
तो ये मेरी डबल कलर की एक ही स्टैम्प पर मैं नॉर्मली मतलब डबल ब्रांच पे डबल ग्राफ्टिंग करती हूँ, ये मैंने सिंगल ब्रांच पे डबल ग्राफ्टिंग की है। वाओ। तो एक में मुझे सक्सेस दिख भी रहा है कि इसमें स्प्राउट आ भी गया है। अच्छा जी, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रेड रेड दिख रहा है, तो ये नया स्प्राउट आ भी गया है, मतलब सक्सेस हो गया है। जी, जी और दूसरी ब्रांच में इधर से आ रहा है। नाइस। अभी मैंने इसकी पॉलीथिन खोली नहीं है, बाकी ये भी सक्सेस हो गया, मेरा ट्रायल फर्स्ट ट्रायल है ये। तो इस तरीके से मैंने ये दो तीन पे किए ट्रायल, तो नेक्स्ट फिर दो सक्सेस हो जाएंगे तो फिर चार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर ये मेरी सारी सीड्स जो मेरे सीड पॉट तैयार हुए थे उनकी सीड्स लगाए हैं मैंने इधर, ये सारे इधर भी हैं, ये सारे सीड्स से और एडेनियम तैयार हो रहे हैं। मतलब मैक्सिमम जो आप एडेनियम्स ग्रो करते हैं सारे सीड से ही होते जी हैं। मैं सिर्फ कलर्स के लिए बाहर से मंगवाती हूँ या वैरायटी कलेक्ट करने के लिए बाहर से मंगवाती हूँ, बाकी फिर एक बार मेरे पास कलर आ जाता है तो फिर मैं खुद ग्राफ्टिंग कर लेती हूँ। जी। और ये मेरी सारी अरेबिकम वैरायटी है, अरेबिकम की सीडलिंग्स हैं ये सारी। वाओ। जी, और जब पॉट कम पड़ जाते हैं तो बोतलों में भी लगा देती हूँ। ये काफ़ी अच्छा तरीका है, अपने वेस्ट जो बॉटल्स हैं उनको भी यूज़ हो जाता है। जी, और सुंदर भी काफ़ी लग रही हैं। इधर थर्माकोल्स में भी मैंने लगाए हुए हैं क्योंकि पॉट मेरे अक्सर कम पड़ जाते हैं कि मैं कितना भी खरीदूँ। जी, इधर भी बहुत खूबसूरत फूल आ रहा है, ये देखिए। वाओ, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल बहुत सुंदर रानी कलर का फ्लावर है ये भी। संदीप जी देखिए, ये मेरे सारे मदर प्लांट हैं जिनकी मैंने कटिंग लेकर के सारे अपने सीडलिंग्स पर मैंने ग्राफ्टिंग की है। ये मेरा बहुत पुराना एडेनियम है और ग्राफ्टेड है ये सारे। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे। ये मैंने सबसे पहले फर्स्ट जो ख़रीदा था वो ये है। अच्छा जी, इसकी वैरायटी कुछ अलग है, तो कॉर्डे किसका कम फूलता है, ये लंबाई में ज़्यादा पड़ता है। जी, ये देखिए फ्लोरिंग देखिए कितनी अच्छी हो रही है। और ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं इनके, वो नीचे बालकनी एरिया में रखे हुए हैं, और यहाँ की भी वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगी। सेकेंड या थर्ड पार्ट आप इसका देखने वाले हैं, जो बैक टू बैक पार्ट मेरे चैनल पर आ जाएंगे। और थोड़ा सा पीछे की तरफ दिखाऊंगा तो यहाँ भी देखिए बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग हो रही है एडेनियम। इधर आप देखिए कॉर्डे किसका, ये सारे मेरे मदर प्लांट हैं और काफ़ी पुराने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, और फ्लावरिंग भी इतनी फुल ब्लूम पर है कि पूरा बुके बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाली फ्लावरिंग देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी हो रही है, और इसका भी आप नीचे कॉर्डेक्स देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये मैंने स्टोन पे अरेंज किया है, थोड़ा सा इसको अलग लुक दिया है। फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज हमने आपको सुषमा बंसल का एडेनियम का पूरा कलेक्शन दिखा दिया है, और काफ़ी कुछ नॉलेज भी आपको मिली होगी। लेकिन अभी इनके टेरेस गार्डन में काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए, तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा टोपियारिस का। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हम टोपियारिस पे बात करने वाले हैं और वो सारे के सारे कलेक्शन आपको दिखाएंगे। तो पार्ट टू में मिलता हूँ, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। कि आप इतनी सी कटिंग भी अगर एक इंच दो इंच की कटिंग है तो आप उसको फेंके नहीं। ये अफ्रीकन जेड है जी, ये सारा जो जेड है ये नीचे की तरफ बढ़ता है और ये अफ्रीकन जेड ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये सीधा खड़ा रहता है। मेरे कटिंग से ही तैयार किए हैं सारे। वाओ। और कटिंग भी आप विश्वास नहीं करेंगे कि दो इंच चार इंच छः इंच की कटिंग थी मैक्सिमम। अच्छा। उनसे ये जंगल तैयार हो गया है। वाओ।